आप देख रहे हैं बारह बखरा वाटरफॉल। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब भले में होंगे। मैं सुकांत सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकांत सरंगी। तो आज मैं फिर से निकल पड़ा और एक वाटरफॉल के तलाश में। इसका नाम है बारह बखरा वाटरफॉल। ये देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेस्ट पार्ट में आता है। हम लोग इससे पहले ईस्ट पार्ट साइड में पूरी तरह से तो नहीं गए हैं। हीराकुद जब डैम में गया था घूमने के लिए, तभी मैं था 0 पॉइंट, वही वाला रास्ता हीराकुद देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ का ईस्ट साइड जाता है। ये है वेस्ट साइड। मेरे टाउन राउरकेला से ये काफ़ी डिस्टेंस है, तो मैं एक दूसरा रूट थोड़ा लेना चाहता हूँ, जिससे मुझे करीब करीब 80-90 किलोमीटर का टाइम बचेगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग रूट है, आप भी मेरे साथ चलिए और रूट के मज़े लीजिए। चलिए चलते हैं। तो निकल पड़ा मैं बारह बखरा वाटरफॉल देखने के लिए, आप भी मेरे साथ चलिए, चलते हैं। जय जगन्नाथ। बड़गांव आ गया है। करीब करीब हम लोग अभी 64 किलोमीटर का ड्राइविंग कर चुके हैं। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, उसके बाद फिर निकलते हैं। यहीं पर होगा हम लोग का ब्रेकफास्ट। देखते हैं क्या क्या बनाए हैं आज। पहुंच गए हम लोग झारसुगुड़ा टाउन। अब ये झारसुगुड़ा चौक से हम लोग को राइट साइड रायगढ़ वाला, बेलपाड़ रायगढ़ वाला रास्ता लेना है। तो पहुंच गए हैं हम लोग उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पदमपुर में। अभी इधर से हमें लेफ्ट साइड टर्न लेना है। ये है पदमपुर डोंकाघाट जाने का रास्ता, गांव से अंदर होते हुए जा रहा है। उधर देखिए हीराकुद रिजर्वर का बैकवाटर पानी, वो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। अभी हम लोग डोंकाघाट जा रहे हैं, गांव से नाव से हम लोग पार करेंगे हीराकुद रिजर्वर इधर से उधर। अभी हम लोग जा रहे हैं पदमपुर डोंकाघाट। पुराना वाला डोंकाघाट जो है अभी बंद हो गया है, उधर शायद नया ब्रिज का काम चालू है, इसीलिए इस तरफ से एक नया डोंकाघाट यह लोगों ने ओपन किया है। तो मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं आज नाव मिलता है कि नहीं, वो भी एक तो बड़ा टेंशन है। तो पहुंच गए हैं हम लोग पदमपुर डोंकाघाट। मेरे साथ मेरा भांजा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पदमपुर डोंकाघाट है। अभी ये जो देख रहे हैं उसी नाव में हम लोग अभी अपना एक्टिवा चढ़ाएंगे और फिर ये हीराकुद रिजर्वर क्रॉस करेंगे। बहुत सारे लोग वेटिंग किए हुए हैं। ये पीछे जो झोपड़ी वाला दिख रहा है जैसा स्ट्रक्चर, वहीं पर और नाव का मालिक बैठा हुआ है, जहाँ टिकट कटवाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अभी नाव में।
कूद के दूसरे साइड में। अभी इधर से गाड़ी उतारना है, मेरा एक्टिवा देख सकते हैं। पदमपुर डंगाघाट का दूसरे साइड पहुंच गए हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे हीराकुद रिजर्वर। इसी नाव से हम लोग आए थे, करीब करीब 18 गाड़ियां इसके ऊपर लोडेड थी। मुझे तो बीच में लगा क्या लोड सच्ची में ले सकता है, लेकिन नाव बहुत मजबूत है, लोड ले लिया। थोड़ा गाड़ी चढ़ाने और उतारने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पानी के अंदर ले के फिर चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बाकी तो बढ़िया है। और रिजर्वर में इधर से उधर क्रॉस करने का एक्सपीरियंस तो ज़बरदस्त। आप भी अगर कभी लिए नहीं है ये एक्सपीरियंस, ज़रूर पदमपुर डंगाघाट आके ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर एरिया में है। तो पदमपुर डंगाघाट से अभी हम लोग बिछड़ा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर बारह बखरा वाटरफॉल है। चलिए अभी चलते हैं उधर। अभी यहाँ से कल्ला गांव के तरफ का रास्ता हम लोग को लेना है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं बारह बखरा गुम्फा और असुरगढ़ जलप्रपात, इसको बारह बखरा जलप्रपात भी बोलते हैं। ये बारह पहाड़ है, ये जो देख रहे हैं ना पहाड़, ये है बारह पहाड़ देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। अभी हम लोग देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेस्ट साइड में है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बारह बखरा केव झांपी असुरगढ़ वाटरफॉल के लिए रास्ता एरो मार्क किया गया है। चलिए अभी आगे इधर चलते हैं। गूगल मैप को गलती से भी फॉलो मत करिएगा, पूरा गड़बड़ झाला हो जाएगा, क्योंकि गूगल मैप पूरा गड़बड़ रास्ता दे रहा है। जहां पर देब्रीगढ़ का मैप लिखा हुआ है, बस उसके थोड़ी देर बाद लेफ्ट साइड में और एक मिट्टी का रास्ता है, वही रास्ता लेने से ही आप देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच सकते हैं, लेकिन गूगल मैप उससे और आगे दिखाएगा जो गलत रास्ता है। तो आखिरकार पहुंच गए बारह बखरा, ये है बारह पहाड़। चलिए आइए देखते हैं क्या है यहाँ हमारे लिए। तो पहुंच गया मैं बारह बखरा पहाड़, बारह बखरा वाटरफॉल देखने के लिए। इसको असुरगढ़ वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। अभी देखिए ये है पहाड़, हम लोग आए थे वो देखिए, वो कार रखा हुआ है वहाँ से हम लोग आए थे। चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए कैसा है। अभी इधर से ही थोड़ी दूर का ट्रेकिंग है, चलिए देखते हैं कहाँ है बारह बखरा वाटरफॉल। अब देखिए जहाँ से आया हूँ वहीं से राइट साइड में आपको जाना है, तो आपको ये पानी का ये जगह मिलेगा। आज बहुत धूप है, सुबह तो जब निकले थे घर से बहुत ही ज़्यादा ठंड था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। शायद इधर से नीचे जाना पड़ेगा। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं बारह बखरा वाटरफॉल की तरफ। आइए, हाँ हम लोग अभी पहुंच गए हैं बारह बखरा वाटरफॉल और गुफा। ज़्यादातर ये रेनी सीजन का वाटरफॉल है, गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल पानी नहीं गिरता, अभी विंटर और गर्मी का बीच का टाइम है इसीलिए थोड़ा पानी गिर रहा है। ये देखिए ये है वो वाटरफॉल, बारह बखरा वाटरफॉल हम लोग पहुँच गए हैं। छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन जगह बहुत सुंदर है। मैं आपको रास्ता का पहले बता देता हूँ मैं कैसे आया हूँ। मैं राउरकेला से पहले झारसुगुड़ा आया, फिर झारसुगुड़ा से बेलपहाड़ वाला जो रास्ता रायगढ़ की तरफ जाता है छत्तीसगढ़ का, उस तरफ मैं रास्ता में आया। पूरा उड़ीसा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर में
एक पदमपुर बोल के जगह है लखनपुर ब्लॉक का, उसमें मैं राइट साइड टर्न लिया और पदमपुर डंगा घाट की तरफ। मैं पहले आज से 6-7 साल पहले यहाँ भी आ चुका हूँ, मतलब बार बखरा वाटरफॉल, लेकिन उस टाइम में मैं जहाँ पर जो पदमपुर डंगा घाट था अभी वहाँ नहीं है। अभी एक गांव के तरफ से अंदर से थोड़ा अंदर में मिट्टी वाला रास्ता एक और एक उसी में पदमपुर डंगा घाट है। तो मैं पदमपुर डंगा घाट में नाव में अपना एक्टिवा चढ़ाया, फिर हीराकुद जो रिजर्वर है उसका दूसरा साइड पहुँचा नाव से, फिर वहाँ से एक्टिवा नीचे उतार के फिर मैं बिछड़ा की तरफ आया। बिछड़ा जहाँ पर ये बार बकरा पहाड़ या बार बकरा वाटरफॉल है, तो आप समरपुर से पहले जस्ट 2 किलोमीटर से पहले पहले लेफ्ट साइड का एक टर्न लेना पड़ेगा करला गांव के तरफ। वही गांव का रास्ता लेने से फिर आप मिट्टी वाला एक रास्ता आएगा, वहाँ पर आपको देवरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक ठो मिलेगा नोटिस बोर्ड। फिर वहाँ से थोड़े दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड का और एक मिट्टी वाला रास्ता आएगा, वही मिट्टी वाला रास्ता का एंड में जाके आपको ये वाटरफॉल आप पहुँच सकते हैं। अगर आप गूगल में आपका हेल्प लेते हैं तो वही जो मिट्टी वाला रास्ता है उससे और आगे में हो और एक मिट्टी वाला रास्ता है उस तरफ वो भेजेगा जो कहीं नहीं जाता, आप गुम हो जाएंगे। इसीलिए पहले बताता हूँ, जहाँ पर आप देवरगढ़ वाइल्ड लाइफ का नोटिस देखते हैं बस उसके थोड़े देर बाद लेफ्ट साइड में और एक मिट्टी वाला रास्ता गया है, तो उसी रास्ते में आप आइएगा तो पूरा एंड में आपको देवरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप पहुँच जाएंगे, मतलब वाटरफॉल की तरफ। आप देख रहे हैं बारह बखरा वाटरफॉल, इसको देख के निराश मत होइए, ये एक्चुअली बारिश के सीज़न का वाटरफॉल है। ऑनलाइन में आप जो फ़ोटो देखते हैं वो सब रेनी सीजन का फ़ोटो लिया गया है। अभी ये मार्च का फर्स्ट वीक है और मार्च के फर्स्ट वीक में इस वाटरफॉल का हालत अभी ऐसा ही है। अप्रैल मई जून में तो यहाँ पर कुछ पानी ही नहीं रहता है। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साय बहुत साल तक छुपे हुए थे। वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें भी हिस्सा लिए थे। इस एरिया में वो बहुत फेमस है। चारों तरफ का नज़ारा एक बार देख लीजिए, देवरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चारों तरफ है, बहुत ही सुंदर जगह है। चलिए आइए, बड़ा बखरा वाटरफॉल का नीचे वाला पार्ट तो देख लिए, अभी ऊपर वाला पार्ट देख लेते हैं। ऊपर वाला देखिए कैसा चारों तरफ दिखता है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो देख रहे हैं पेड़, इसी के नीचे ही बड़ा बखरा वाटरफॉल है। हम लोग अभी इसी के नीचे ही गए थे। ये देखिए, देखें उस तरफ से होते 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 इस तरफ ये वाला एरिया है बड़ा बखरा वाटरफॉल। जगह तो बहुत सुंदर है लेकिन वाटरफॉल में पानी नहीं है, यही एक तो ट्रेजेडी है। बड़ा बखरा वाटरफॉल घूमना हो गया और बड़ा बखरा केव भी देखना हो गया। बेसिकली ये बारिश के सीजन का वाटरफॉल है,
विंटर तक थोड़ा थोड़ा भी पानी रहता है, लेकिन विंटर के बाद बिल्कुल पानी नहीं रहता। गर्मी में तो आपको पानी बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, सूखा एरिया मिलेगा। तो अगर इस वाटरफॉल को आप घूमने आते हैं तो सबसे बढ़िया है बारिश के जस्ट बाद में ही आइए, जस्ट बाद में, एकदम विंटर में भी मत आइए, क्योंकि शायद उस टाइम में भी पानी बहुत कम हो गया होगा। तो बारिश के जस्ट बाद में आइए, क्योंकि बारिश में क्यों नहीं मैं मना कर रहा हूँ आने के लिए, क्योंकि यह जो रास्ता है पूरा मिट्टी का रास्ता है, तो आने में बहुत प्रॉब्लम होगा, चक्का फंसेगा, इसीलिए क्या ज़रूरत है इतना प्रॉब्लम रहने का। तो बारिश के जस्ट बाद में, मतलब अक्टूबर महीना बोल सकते हैं उस टाइम में, और नवंबर में भी आप यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पानी इसका सूखना स्टार्ट हो जाता है, और अप्रैल मई में तो बिल्कुल शायद और पानी ही नहीं होगा। इसलिए अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो उसी टाइम में आइए। वैसे जगह बहुत सुंदर है, एकदम फोटोजेनिक जगह, और जिनको फ़ोटो सेल्फी खींचना है वो तो यहाँ मस्ट आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। और इसके साथ मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।